हैं अब बात यूपी निकाय चुनाव की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या से निकाय चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। सीएम योगी ने अयोध्या के बाद गोंडा में भी चुनावी सभा की और इस दौरान योगी ने जहां अयोध्या की धरती से एसपी और बीएसपी पर तंज कसा तो वहीं शहर के विकास के लिए कई वादे भी किए। मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने अयोध्या में अब तक 135 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की है और निकाय चुनाव के बाद शहर को कई और सौगातें मिलेंगी। वहीं गोंडा की चुनावी रैली में योगी ने शहर का नाम देश के सबसे गंदे शहरों में शुमार होने पर चिंता जताई। इसके लिए उन्होंने पहले की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। गोंडा की रैली में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे और स्थानीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी मौजूद रहे। पहले बृजभूषण शरण को पार्टी से नाराज बताया जा रहा था। इस बार यूपी के निकाय चुनाव कई मायनों में खास हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद निकाय चुनाव योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसके लिए योगी ने तैयारी भी पुरजोर की है। 22 नवंबर से होने जा रहे चुनाव में उनकी 36 सभाएं तय हो चुकी हैं। योगी ने चुनाव प्रचार का आगाज अयोध्या से किया। सीएम बनने के बाद योगी की यह चौथी अयोध्या यात्रा थी। बीजेपी ने पहली बार निकाय चुनाव में संकल्प पत्र जारी किया है। पिछली बार 12 नगर निगमों में चुनाव हुए थे लेकिन इस बार 16 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं। आप सब जानते हैं जब मैं अयोध्या आता हूं तो सपा बसपा के लोगों को बुरा लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई करंट इनके शरीर पे छू रहा है। और किस्सा कुर्सी का मैं आज के लिए इतना ही, छोटे से ब्रेक।